हम हॉस्पिटल में तो कभी ऐसे कभी फील भी नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा था, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था। तो हम हॉस्पिटल में जब प्राइवेट वार्ड्स में आ गए, जब आईसीयू से निकल के जब सेफ हो गए, तो हम फुटबॉल मैचेस देखते थे। मतलब उसके बाद कभी वो बुरा समय या कुछ अच्छा लगा नहीं। बट जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कि आप जब समिट पे होते हैं, जब मेरा पहला माउंटेन था माउंट किलिमंजारो, तो वो एक अद्भुत अनुभव था। मैं 5 साल बाद अपने आप को एक ऐसे जगह देख पा रहा था जिसका मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। तो मैं अपने आप को 5 साल पीछे ढकेल के मैं रिवाइव कर रहा था अपने आप को, कि एनालिसिस कर रहा था कि ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं थी। मैंने बिफोर एक्सीडेंट भी या बाई बर्थ मैंने कभी माउंटेन्स के बारे में सोचा नहीं था। ये तो चीज़ें शौकिया तौर पर आ गई। जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं फ्रीडम के बारे में ज़्यादा सोचने लगा कि मैं पहले जैसे वो एक्टिविटी कर पाऊँ जो मैं करता था। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था और मुझे रनिंग करना पसंद था, तो मैं वैसे ही बनना चाहता था। और वैसे करते करते मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम में आ गया, 3 साल टीम को रिप्रेजेंट किया, फिर पैरा स्विमिंग भी हो गया। तो एक आई गेस फ्रीडम ही था मेरा मोटिवेशन आई गेस, जो ये सब माउंटेन्स की तरफ ले गया। उसके बाद 3-4 और समिट हुए, बट जो पहला जो समिट था वो हमेशा स्पेशल होता है। और जब ये बात हो रही थी उस समय की एक्सीडेंट टाइम में, तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस आई गेस मम्मी और पापा के लिए था। पिता जो होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं या एक्सप्रेशन फील नहीं कर पाते, कई बार मेरे रूम में आते भी नहीं थे पापा, बट आई गेस मैं समझ पाता हूँ उनके सिचुएशन को। और माँ को तो मालूम भी नहीं था, अराउंड मेरे ख्याल से 25 25 नहीं आई गेस 27 28 दिन तक के माँ को मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। हमने एक जूता दिखा दिया उनको कि जूते में तो खून के छींटे भी नहीं पड़े, तो सब ठीक है। और बड़ा इत्तेफाक हुआ उस समय कि मुझे ड्रेसिंग के लिए लेने जाने वाले थे, तो मैं स्ट्रेचर में शिफ्ट करने वाला था, और मम्मी मेरे से मिलकर चली गई। और मम्मी को मालूम नहीं कि मेरे दोनों पैर नहीं हैं, पहले भी 2 बार मिलकर गई तो उनको भी मालूम नहीं था। बट वो आई गेस रुमाल या कुछ चीज़ भूल गया था उन्होंने, बैग मुझे याद नहीं है क्या भूला था उन्होंने। और मैं स्ट्रेचर में शिफ्ट करने वाला था और मम्मी उसी समय आ गई। तो वो जो साइलेंस वाला वो था, वो फीलिंग था जिसको मतलब बता पाना बहुत मुश्किल है। और आई गेस वो पेन मुझे नहीं लगता मतलब कि वो मेरे से ज़्यादा पेन मम्मी पापा का ही रहा होगा हमेशा। और जैसा मम्मी ने कहा कि वो वहां तो जाना नहीं चाहती, लेकिन अब हम वहां जाना चाहते हैं जहां उसके बाद आप गए, वो तस्वीरें भी देखना जरूरी है। सबसे बढ़िया तो वहां पर भी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया याद रहा आपको? हाँ बिल्कुल।